मुस्लिम समाज में हम ज्यादातर तीन तलाक का किस्सा सुनते आ रहे थे, जिसमें अगर तीन बार तलाक बोल दिया जाए तो निकाह खत्म हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, इस्लाम धर्म में इसके अलावा भी कई सारे तलाक की व्यवस्था रखी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर पत्नी चाहे तो वो अपने पति को तलाक भी दे सकती है। अब तक मुस्लिमों में तीन तलाक को लेकर काफी बहस छिड़ी हुई थी। केंद्र कानून ने नए कानून तो लाए, लेकिन तीन तलाक को गैर कानूनी भी बना दिया। जहां ये बहस शांत भी नहीं हुआ था, वहां एक और नया खुलासा सामने आया है। मुस्लिम समाज में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई तरह के तलाक होते हैं। इनमें से कुछ तलाक पति शुरू करता है तो कुछ पत्नी शुरू करती है। इस्लाम धर्म में कानून साफ साफ कहता है, तलाक मतलब शादी खत्म करना, खुल मतलब शादी अपनी मर्जी से खत्म करना, और फस्क मतलब कानूनी तौर पर शादी खत्म करना। ऐसे देखा जाए तो नियम अलग अलग फिरकों में अलग अलग हो सकते हैं, और जो ऐतिहासिक प्रथाएं कानूनी तौर पर बिल्कुल ही अलग होते हैं। क्या आपको पता है, इस्लाम में पति और पत्नी को कई तरह के अधिकार मिले हैं, जिसमें तलाक का अधिकार भी शामिल है। मुस्लिमों में तीन प्रकार के तलाकों की बात कही गई है, एक तो तलाक ए हसन, दूसरा तलाक ए अहसन और तीसरा तलाक ए बिदत। सिर्फ इतना ही नहीं, इस्लाम धर्म में हलाला के बारे में भी जिक्र किया गया है। यदि तलाक के बाद पति और पत्नी दोबारा से साथ में घर बसाना चाहते हैं, दोबारा से साथ रहना चाहते हैं, तो वो हलाला की मदद से रह सकते हैं। चलिए जानते हैं आखिर इस तीन तरह के तलाक में होता क्या है और किस तलाक को किसने कब शुरू किया था। हलाला क्या होता है और मुस्लिमों में तलाक होने के बाद पति और पत्नी को दोबारा से साथ होने के लिए इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, सब जानेंगे विस्तार से। तलाक ए हसन, इसमें पति अपनी पत्नी को 3 महीने में तलाक देता है। पति हर एक महीने में अपनी पत्नी को एक बार तलाक देता है। इतना ही नहीं, तलाक देते वक्त एक शर्त भी रखा गया, वो ये कि जब पति अपनी पत्नी को तलाक दे रहा हो उस वक्त पत्नी का मासिक धर्म नहीं चल रहा हो। जब दूसरी बार तलाक बोली जाए तो उससे पहले दोनों के बीच आपसी सुलह करने की कोशिश की जाती है। अगर दोनों के बीच सुलह नहीं हो पाती है तो तीसरी बार पति तलाक बोल देता है, लेकिन उस दौरान पति और पत्नी एक बार भी संबंध बनाए हो तो फिर ये तलाक खारिज हो जाती है। दूसरा है तलाक ए अहसन, इसमें पति अपनी पत्नी से केवल एक बार ही तलाक बोल सकता है, फिर इसके बाद दोनों अगले 3 महीने तक एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। लेकिन भले ही दोनों एक छत के नीचे रहते हैं, मगर दूरी बनाए रखना होता है। इस बीच पति दोबारा से तलाक लेना चाहता है तो वो 3 महीने के अंदर ले सकता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो 3 महीने पूरे होने तक तलाक खत्म हो जाता है। तीसरा है तलाक ए बिहदत, तलाक ए बिहदत यानी तीन तलाक। इसके तहत पति अपनी पत्नी को एक बार में 3 तलाक बोल देता है। इसमें एक साथ 3 बार तलाक के बाद शादी खत्म हो जाता है, जिसे हम इंस्टेंट तलाक भी कहते हैं। इस कानून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाया था और फिर इसे गैर कानूनी भी बना दिया था। तभी देश में एक नया कानून भी लागू हुआ, पत्नी चाहे तो पति के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है। देश में तलाक ए हसन और तलाक ए अहसन को रोकने के लिए कई दिनों से कोर्ट में मांग चल रही है और जल्द ही कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगी। क्या आपको पता है, इस्लाम धर्म में साथ रहने के लिए हलाला की क्यों जरूरत पड़ती है। दरअसल इस्लामी कानून के अनुसार अगर पति अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद भी मेल रखना चाहता है तो पत्नी को हलाला से गुजरना पड़ता है। इसके तहत पत्नी को पहले किसी दूसरे मर्द से शादी करनी होती है, फिर दूसरे पति से तलाक लेने के बाद ही वो अपने पहले पति के पास लौट सकती है। इतना ही नहीं, पत्नी अपने पहले पति के पास शादी करके ही लौट सकती है। इसमें पत्नी को तलाक के बाद मेंटेनेंस फीस के तौर पर कुछ नहीं मिलता, वहीं पति को तलाक के बाद मेहर की पूरी रकम वापस करनी होती है। इस्लाम धर्म में खुला तलाक भी एक रूप है, जिसमें महिला शादी खत्म करने की प्रक्रिया
शुरू करती है। खुला की मदद से महिला अपने पति के साथ संबंध तोड़ भी सकती है। खुला के बारे में कुरान और हदीस में भी बताया गया है, लेकिन इसमें पति और पत्नी दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। क्या आपने कभी इस्लाम धर्म से जुड़ी इन तरह के तलाक के बारे में सुना था? कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।